What's up guys? Welcome back to another video. मैं हूं मनप्रीत and I hope आप लोग सब अच्छे होंगे. तो आज की वीडियो में we will talk about the mobile networks that are available in Canada. मैं अपनी तरफ से आपको सारी information देने की कोशिश करूंगा, जैसे कि कौन कौन से mobile networks यहां पे available हैं, कौन सा best है and कौन सा सबसे ज़्यादा affordable है. तो अगर आप Canada आ रहे हैं as an international student or on work permit or as a permanent resident and planning to get a new SIM with or without phone, this video will definitely help you. तो जब सिम लेने जाते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं. यू कैन बाय जस्ट द सिम एंड यूज़ योर एग्जिस्टिंग फ़ोन, या सिम के साथ में आप फ़ोन भी खरीद सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, इंस्टॉलमेंट देनी होती है पर मंथ. यू विल कवर दिस पार्ट लेटर इन द वीडियो, बट बिफोर वी बिगिन, इफ़ यू आर न्यू हेयर प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वॉच अदर वीडियोज़ ऑन माई चैनल. अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट करके बताना कि क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा. नाउ लेट्स स्टार्ट. कनाडा में बहुत सारे मोबाइल नेटवर्क्स अवेलेबल हैं एंड इन्हें सिंपल तरीके से समझने के लिए तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं. एक बार एक कैटेगरी अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं एंड फिर उनकी प्राइसिंग जो है वो वन बाय वन वो भी डिस्कस कर लेंगे. सबसे पहली कैटेगरी जिसे हम प्रीमियम कैटेगरी भी कहते हैं, उसमें तीन कंपनीज आती हैं, रॉजर्स, बेल एंड टेलस. दीज थ्री आर द बिगेस्ट मोबाइल कंपनीज इन कैनेडा. इनका एडवांटेज ये है कि इनका मोबाइल कवरेज बेस्ट है. सिटी में तो अमेजिंग है ही है, बट अगर आप शहर से बाहर भी जा रहे हैं तो भी काफ़ी सही चलता है. दीज कंपनीज आर एक्सपेंसिव, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स दे आर रियली एक्सपेंसिव. बट अगर आप ट्रैवल करते हैं या शहर से बाहर रहते हैं एंड आपके लिए मोबाइल कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक आपको अमेजिंग नेटवर्क चाहिए एवरीवेयर यू गो, देन दिस इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू. सेकेंड कैटेगरी जिसे हम मिड रेंज कैटेगरी भी कहते हैं, इसमें आती हैं तीन कंपनीज, फाइडो, कूडो मोबाइल एंड वर्जन मोबाइल. ये तीनों सिस्टर कंपनीज हैं रॉजर्स, टेलस एंड बेल की. एज एन फाइडो इज़ अ सिस्टर कंपनी ऑफ रॉजर्स, कूडो मोबाइल इज़ अ सिस्टर कंपनी ऑफ टेलस एंड वर्जन मोबाइल इज़ अ सिस्टर कंपनी ऑफ बेल. This category is more affordable and cheap compared to the premium category. इन companies का network coverage is really good, but obviously premium category जितना amazing नहीं होता. As per my personal experience, their network coverage is really good in almost all the areas, but थोड़ा बहुत exception निकल आते हैं, किसी किसी area में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है. शहर से बाहर इनका network थोड़ा बहुत issue दे सकता है, but वो भी area to area depend करता है, हर area में issue नहीं आता. As I said, दे आर चीपर देन द प्रीमियम कैटेगरी, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर प्राइस में डिफरेंस है तो नेटवर्क कवरेज में भी डिफरेंस हो गई. मेनली कंपनीज उन लोगों को टारगेट करती हैं हु आर सैटिस्फाइड विद अ गुड नेटवर्क एंड रियली नॉट इंटरेस्टेड इन पेइंग ह्यूज बिल्स फॉर द कनेक्शंस. मैंने पर्सनली फाइडो यूज़ किया अपने फर्स्ट ईयर में जब मैं कनाडा आया था एंड ट्रस्ट मी फाइडो वॉज नॉट बैड एट ऑल. हर जगह काफ़ी सही चलता था. कभी कभी इशू आ जाते थे जब मैं गो ट्रेन पर ट्रैवल कर रहा होता था, बट बहुत ही कम आते थे. Then I moved to Rogers, जिसका network and speed is definitely better than Fido, but you're paying a premium amount for that as well. But Fido was not bad at all, trust me. Third category में आते हैं Freedom and Chatter. ये दोनों student friendly mobile network हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सस्ते होते हैं and they have so many cheap options available and you can select any of them. तो अगर आप student हैं and you don't want to spend too much on your mobile bills every month, I highly recommend that you go with this option. इनका नेटवर्क इज़ रियली गुड इन सिटीज़ लाइक टोरंटो, वैनकूवर और मॉन्ट्रियल. तो अगर आप इन सिटीज़ में मूव हो रहे हैं देन आई हाईली रिकमेंड दैट यू चेक आउट दीज ऑप्शंस. इनका नेटवर्क शहर से बाहर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड प्रॉब्ली दैट्स द रीज़न ये लोग इतने सस्ते हैं. बट अगर आप इन शहरों में नहीं आ रहे हैं या शहर से बहुत ही दूर रहने वाले हैं देन आई विल नॉट रिकमेंड दिस ऑप्शन. प्लीज़ सेलेक्ट सम अदर कैटेगरी. अब एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि विच कंपनी हैज़ द बेस्ट नेटवर्क इन योर एरिया और द कंपनी दैट यू आर इंटरेस्टेड इन has a good network in your area or not. तो ये सारी information available होती है इन companies की website पे. आप किसी भी company की website पे जाके उनका network coverage map देख सकते हैं and ये देख सकते हैं कि उनका coverage आपके area में कैसा है. And थोड़े example देख लेते हैं एक बार पहले. तो ये Rogers की website पे आप देख सकते हैं कि इनका network coverage available है and you can see कि इनका network काफ़ी जगह available है compared to Freedom, जिसका सिर्फ selected cities में ही strong network है. तो this way you can see the coverage of each company in your area. तो ये तो हो गया ओवरव्यू. मैंने अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि सिम खरीदते टाइम आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, विद फोन और विदाउट फोन. विदाउट फोन मतलब BYOD, एज इन ब्रिंग योर ओन डिवाइस. इस केस में यू आर ओनली बाइंग द सिम, द नेटवर्क यूसेज एंड यू आर यूजिंग योर एग्जिस्टिंग फोन. तो इफ़ यू गो विद दिस ऑप्शन आपको सिर्फ नेटवर्क यूसेज के पैसे देने होंगे क्योंकि फ़ोन तो आप अपना यूज़ कर रहे हैं. या आप चाहें तो इन कंपनी से फ़ोन भी खरीद सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे इन इंस्टॉलमेंट्स. इस केस में आपको अपने नेटवर्क यूसेज के साथ अपने मोबाइल फ़ोन्स की भी इंस्टॉलमेंट्स देनी होती हैं पर मंथ.
एंड कई बार इन कंपनीज में ऑफर्स चल रहे होते हैं, डील्स चल रही होती हैं, वेर यू कैन गेट फोन्स विच आर नॉट लेटेस्ट. एज इन अगर इस साल आईफोन 12 लेटेस्ट है तो यू कैन ईजिली गेट डील्स ऑन आईफोन 11 और आईफोन SE ऑल्सो. तो डील्स ऐसी होती हैं कि आपको जीरो डाउन पेमेंट देना होता है एंड कई बार मंथली इंस्टॉलमेंट भी इसके जीरो होते हैं, बट यू हैव टू स्टे इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर 2 years. तो अगर इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज नॉट रियली इन टू लेटेस्ट फोन्स, यू नो आपको रेगुलर फोन भी चल जाएगा, देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई आउट दिस ऑप्शन. जीरो डाउन पेमेंट देना है, जीरो मंथली इंस्टॉलमेंट है, 2 साल के लिए यू विल बी अंडर कॉन्ट्रैक्ट, बट इट्स फाइन. आगे बढ़ने से पहले लेट मी शो यू सम एग्जाम्पल्स ऑन माई लैपटॉप. विल स्टार्ट विद रॉजर्स के BYOD के प्लान्स. अब मिनिमम यहाँ दिख रहा होगा $80 पर मंथ, जिसमें आपको 30 GB का इंटरनेट मिलेगा. द नेक्स्ट ऑप्शन इज $90 पर मंथ, जिसमें 35 GB का इंटरनेट मिलेगा. एंड फिर बढ़ते जाते हैं $125, और ये सिर्फ आपके सिम का वैल्यू है, इसमें फोन इंक्लूडेड नहीं है. दूसरा ऑप्शन आता है कि चलो आप डील्स देख रहे हैं रॉजर्स में, यहाँ डील देख रहे हैं आईफोन 12 पे डील आ रखी है एज लो एज $1 पर मंथ. आप नीचे आईफोन 12 पे भी डील आ रखी है, डील्स आती रहती है, सैमसंग पे डील आ रखी है, आईफोन वॉच पे डील आ रखी है. अब यहाँ दिख रहा है आईफोन 11 पे डील आ रखी है, इट्स ओनली $19 पर मंथ. तो मैंने पहले भी कहा था कि फोन दैट आर नॉट लेटेस्ट, इन पे भी कई बार डील्स आ जाती है, जैसे यहाँ पे बहुत सारी डील्स आपने देखी, तो डेफिनेटली चेक आउट देयर वेबसाइट, कई बार कुछ भी निकल आता है. अब फ्रीडम के रेट्स कंपेयर करते हैं रॉजर्स के साथ, जो कि एक प्रीमियम कैटेगरी का नेटवर्क है. ये आपको दिख रहा होगा कि 5 GB इंटरनेट मिल रहा है एंड इसमें सिर्फ आपको चार्ज कर रहे हैं $35 एंड 15 GB के लिए दे आर चार्जिंग $40. अभी $35 या $40 को अगर आप कंपेयर करेंगे रॉजर्स के $80 या $90, देन यू रियलाइज कि कितना डिफरेंस है एंड वाई दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट फ्रेंडली नेटवर्क. फ्रीडम पे आप नए फोन की डील्स भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिख रहा है $65 पर मंथ पे आईफोन 12 इंक्लूडेड है, $50 पे 5 GB इंटरनेट इंक्लूडेड है अलॉन्ग विद आईफोन SE. सैमसंग के फोन भी डील पे हैं, सैमसंग गैलेक्सी डील पर है, ऐसे बहुत सारे फोन डील्स पे मिल जाते हैं. तो अगर आप कंपेयर करें प्रीमियम कैटेगरी से ये स्टूडेंट फ्रेंडली कैटेगरी, तो यू विल सी बहुत सारा डिफरेंस है एंड यू कैन सेव सो मच ऑफ मनी इफ यू सेलेक्ट द राइट कैटेगरी फॉर योरसेल्फ. एक और कंपनी है जिसको मैंने किसी भी कैटेगरी में नहीं डाला है, जिसका नाम है पब्लिक मोबाइल. ये कंपनी भी काफ़ी सस्ती है एंड ये सिस्टर कंपनी है टेलस की. ये कंपनी उनके लिए काम आती है जैसे अगर आपके पेरेंट्स आ रहे हैं जिनको इतनी आउटगोइंग कनाडा में नहीं करनी होगी, बट आपको इनकमिंग के लिए पूछना होता है कहाँ पर है वो लोग, कहाँ पर नहीं है. अगर इनकमिंग के लिए आपको फ़ोन चाहिए, जैसे मेरे फ्रेंड ने लिया था, उनकी मदर के लिए उन्होंने फ़ोन लिया था एंड ही वॉज पेइंग $15 फॉर अनलिमिटेड इनकमिंग कॉल्स, लिमिटेड आउटगोइंग कॉल्स. तो ये भी एक अच्छा कंपनी है पब्लिक मोबाइल, यू कैन चेक इट आउट इफ़ यू वॉन्ट. अब कई बार लोग पूछते हैं कि अगर अब ये सिम हम लेना है ये कहाँ से लें. वैसे तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये कि अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे आपके कोई ना कोई फ्रेंड्स होंगे आपको ले जाएंगे, बट जस्ट इन केस मैं बता देता हूँ. अगर आपको पता है कि आपने कौन सी कंपनी का मोबाइल लेना है या सिम लेना है, आप उस कंपनी का गूगल पे सर्च कर सकते हैं आसपास शोरूम या दुकान कहाँ पर है. आप किसी भी बड़े मॉल में जा सकते हैं, इन बड़े मॉल्स में छोटे छोटे कियोस्क लगे होते हैं सबके, फ्रीडम के, रॉजर्स के, इन सबके लगे होते हैं, तो आप वहाँ जाकर भी खरीद सकते हैं. यू कैन ट्राई कॉस्को ऑल्सो, अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसकी मेंबरशिप कॉस्को में है. कई बार कॉस्को में बहुत अच्छी अच्छी डील्स होती हैं जो रेगुलर शॉप्स में नहीं होती, तो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. कई बार किस्मत अच्छी हो तो डील्स मिल जाती हैं. तो गाइज इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं. आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी. मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे जितना पता था इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की है. अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें एंड चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन. बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में. टेक केयर गाइज़.